सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के T3 5G फोन में एक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में। अगर आप लोग वीवो का T3 5G फोन यूज करो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को इनेबल करना चाहते हो, साथ में आप लोग चेक करना चाहते हो हमारी फाइल कहां पर सेव होती है जब हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद, तो यहां पर आप लोग को दोनों तरीका डिटेल के साथ बता रहा हूं इस वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीवो का T3 5G फोन यूज करो, अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना चाहते हो, जैसे कि मैं इस तरीके से कॉल करके आपको दिखाता हूं। मैंने 198 पर कॉल कर लिया है और यहां पर जैसे ही मैं कॉल करके दिखाऊंगा आप लोगों को 198 पर, और यहां पर देख सकते हो इस तरीके का 198 पे आ चुका है और मैंने कॉल कर लिया। अब इस तरीके से कॉल करते ही हमारे फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो चुका है, जो कि ऑटोमेटिक हो रहा है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेकंड चल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने T3 5G फोन में इनेबल करना चाहते हो एंड कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद एंड कॉल कट करते हो, फाइनली आप फाइल कहां पर चेक करोगे एंड कहां पर सेव होती है उसे आप लोग देख भी सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहां पर आप लोग को इसी के बारे में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो फाइनली दोस्तों, यहां पर आप लोग को चलकर बताता हूं कैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए डायलर को ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद यहां पर आपको थ्री लाइन मिलेगा, थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके फोन में यहां पर कॉल सेटिंग मिलेगा, कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको नीचे मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग एंड कॉल रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आपको सेट होगा डोंट नॉट रिकॉर्ड ऑटोमेटिक, यहां पर आपको रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिक पे अगर सेट है तो फाइनली ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगा। अगर ऊपर वाले पे आपका सेट है तो फाइनली ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा आपका। तो यहां पर आपको सेट करना है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, तो यहां पर आप क्लिक कर देते हो तो आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वीवो के T3 5G फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाओगे। अब दोस्तों, यहां पर जो कि लिखा गया है नीचे वाला रिकॉर्ड कस्टम एंड कॉल ऑटोमेटिकली, यहां पर आपको लिखा गया, तो यहां पर आपको नहीं सेट करना है, फाइनली ऑल कॉल रिकॉर्डिंग पे आपको सेट कर लेना है। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा रियलमी के T3 5G फोन, सॉरी दोस्तों, वीवो के T3 5G फोन में। तो यहां पर आप लोग ट्राई कर पाओगे। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर अगर आपने इनेबल कर लिया है तो यहां पर आप लोग को दिखा देता हूं पहले, जो कि मैंने सेटिंग पे आ जाता हूं और यहां पर कॉल सेटिंग पे, उसके बाद रिकॉर्डिंग पे, और यहां पर सेट है जैसे कि मैंने सेट करके, और यहां पर डायलर के अंदर आकर मैं एक कॉल करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने 198 पर कॉल करके दिखाता हूं, तो 198 पर मैंने कॉल कर लिया है और यहां पर हमारे फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यहां पर स्टार्ट करेंगे तभी जाकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टार्ट करने से हो रहा है, तो लेकिन यहां पर आपको सेटिंग पे आने के बाद यहां पर क्लिक करना और रिकॉर्डिंग पे आना है, और यहां पर आपको रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैं यहां पर दिखा देता हूं कॉल करके, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कॉल करके मैंने दिखा दिया, यहां पर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो अपने वीवो के T3 5G फोन में। तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो। एंड यहां पर आपको बताने वाला हूं और भी चीज, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद फाइल कहां पर सेव होती है, तो इसके लिए आप लोग को आ जाना है गूगल फाइल मैनेजर के अंदर, इसमें क्लिक करना है। एंड यहां पर आने के बाद आपको नीचे मिल जाता है इंटरनेट, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फोन एंड इंटरनेट पर आपको क्लिक करोगे ना, उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहां पर क्लिक करना है एंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, यहां पर क्लिक करना है एंड कॉल्स वाला ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको सभी नंबर का कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर सेव हो जाएगा। जितने भी नंबर से आपके पास कॉल आते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग होते हैं, तो यहां पर आपका सेव हो जाएगा। तो यहां से आप लोग चेक कर पाओगे और यहां से आप लोग सुन भी पाओगे। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं, जो कि यहां पर देख सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से सुनाई दे देता है। तो इस तरीके से आप लोग सुन पाओगे और अच्छे तरीके से आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाओगे। तो फाइनली इस तरीके से आप लोग अपने वीवो के T3 5G फोन में ट्राई कर सकते हो एंड ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।